नमस्कार, मैं हेमंत और आप देख रहे हैं सेंट 24। रुक कर लेते हैं अभी तक के हम खबरों पर। रायगढ़ नगरी निकाय चुनाव को लेकर मतदान को अब कुछ ही घंटे बाकी है और प्रचार के आखिरी दिन दोनों ही प्रमुख राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार में अपना पूरा ताकत झोंक दिया है। एक तरफ कांग्रेस के स्टार प्रचारक मंत्री उमेश पटेल ने कांग्रेस की नैया पार लगाने की जिम्मेदारी ली है, तो वहीं भाजपा की सांसद गुमती साय भी अपने पार्टी को जीत के दहलीज तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। देखिए रिपोर्ट। नगरी निकाय चुनाव को लेकर दोनों ही दलों के जनसंपर्क का अंतिम दौर समाप्त हो चुका है। जहां एक ओर बीजेपी से सांसद गोमती साय ने मोर्चा संभाल रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की नैया पार लगाने छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल वार्डों का दौरा कर जनसंपर्क कर चुके। उनके साथ युवाओं का काफिला और महिलाओं की फौज भी हर गली मोहल्ले में जा करके अपने लाडले नेता को हाथों हाथ ले रहे हैं। जहां वार्ड नंबर 40 में महिलाओं ने आरती उतार कर और तिलक लगाकर कैबिनेट मंत्री का स्वागत किया, वहीं दूसरी तरफ युवाओं ने फूल मालाओं से लाद दिया। वहीं जनसंपर्क में पहुंचे कैबिनेट मंत्री उमेश पटेल का कहना है कि जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है, तब से सभी नगरीय निकायों में करोड़ों के कार्य हुए हैं। उनकी सरकार शहर विकास के कभी भी फंड की कमी नहीं होने देगी। रायगढ़ शहर की नगरीय क्षेत्रों की सड़कों के लिए करोड़ों रुपए की सौगात उनकी सरकार ने दी है, जो कि पिछले सरकार ने विगत 15 सालों में नहीं किया। वही कार्य को उनकी सरकार ने एक साल में कर दिखाया है। निश्चित तौर पर इसका लाभ नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिलेगा और अधिक से अधिक छत्तीसगढ़ में पार्षद कांग्रेस पार्टी के जीत कराएंगे। लग रहा है, अच्छा लग रहा है। देखिए अब चुनाव के बाद क्या स्थिति बनती है, बट अभी देखने से अच्छी स्थिति लग रही है। बिल्कुल। देखिए महिलाओं को भी उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा रहा है जितना एक पुरुष वर्ग को दिया जा रहा है, तो ये अच्छी शुरुआत है, क्योंकि 50% जनसंख्या है, तो कहीं ना कहीं 50% तक उनकी भागीदारी होनी चाहिए। ऐसी हमारी पार्टी की मानसिकता है और उसी आधार पर काम चल रहा है। लग रहा है जीत जाएंगे। अभी देवनारायण राठौर के वार्ड बगल वाले वार्ड में भी गया था, यहाँ पे भी हूँ। अभी आने वाले उसमें 40 नंबर पे भी गया था, तो सब स्थिति ठीक लग रही है। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।